अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अली टीवी चैनल यूके। हम आपसे मुखातिब हैं बरतानिया से। आज की कहानी है हाजी राजा तहर इकबाल, जो कि फतेहपुर की इम्तियाज़ शख्सियत है। इनकी थोड़ी सी आपको हम कहानी सुनाते हैं। इन्होंने अपनी जो है तालीम जो है मुकम्मल की, उसके बाद एयरफोर्स में चले गए। उसके बाद पढ़ाई का इनको काफ़ी शौक़ था, इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसके बाद जो है इन्होंने एयरफोर्स के अपनी ड्यूटी के दरमियान ही इन्होंने जो है ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन करने के बाद इनको शौक़ था गेम का, और इन्होंने गेम जो है कि एयरफोर्स में वॉलीबॉल इन्होंने बहुत ज़बरदस्त खेला, वो भी इनका काफ़ी इनका अच्छा खासा नाम था एयरफोर्स में। उसके बाद ये अपने गाँव आए छुट्टी, इन्होंने नौजवान नस्ल को बताया कि वॉलीबॉल गेम क्या है, और इन्होंने एक बॉल भी अपने साथ ले आए, और बॉल भी जो है पहला बॉल फतेहपुर की टीम को ख़रीद के दिया था हाजी राजा तहर इकबाल साहब ने। और इन्होंने वॉलीबॉल का मुतारफ़ जो है अपने गांव में बता कराया नौजवानों को। उसके बाद नौजवान जो है गेम जो है वॉलीबॉल की तरफ जो है उनका जहन लग गया। ये भी बहुत अच्छी बात है जब नौजवानों को ऐसी जो है बातें बताए बड़े, और वो काफ़ी बुराइयों से बच जाते हैं, उसके बाद जो है नशे जैसी लाने से भी बच जाते हैं। तो ये अभी तक जो है गेम जारी सारी है। ये भी इन्होंने बहुत अच्छा एक काम किया। उसके बाद अपनी नौकरी, अपनी एयरफोर्स की नौकरी प्रॉपर इन्होंने पूरी की, मुकम्मल की। उसके बाद जो है ये अपने गांव वापस आ गए। अपनी ड्यूटी नौकरी मुकम्मल करने के बाद जब गाँव ये वापस आए, उसके बाद ये 14 साल अपने गाँव फतेहपुर में रहे, और फतेहपुर में जब इनकी पेंशन इनकी हो चुकी थी, ये फिर घूमते फिरते थे और अपनी जो है मौज मस्ती में रहते थे। उसके बाद यंगस्टर, बुज़ुर्ग, बच्चे सब से इनका जो है अच्छा खासा लगाव था, और 14 साल के बाद फिर इनका दिल किया कि मैं कहीं बिज़ी करूँ अपने आप को। इन्होंने फिर ऐसे किया कि USA की ट्राई की, फिर ये USA चले गए। USA के बाद जो है इन्होंने अभी तक जो है अपने पाकिस्तान मुल्क को नहीं भूले, अपने पाकिस्तान जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, और आपको बताते चले कि ये एक सियासी समाजी शख्सियत भी हैं, और इन्होंने फतेहपुर के जो काम है छोटे मोटे कर लें, बड़े काम कर लें या फ्लाई काम कर लें, इनका बहुत बड़ा हाथ है इन कामों में। राजा तहर इकबाल साहब जो कि एक बहुत बड़ी पहचान बने, और लोग अभी भी इनको याद करते हैं, और कभी भी ये शख्सियत ये भूलने वाली नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने गांव के लिए भी काफ़ी पुटिन जो है रखा, और उसके साथ जो है इन्होंने काफ़ी लोगों की मदद भी की। अगर आपको इन शख्सियत की हम जो स्टोरियाँ सुना रहे हैं, इन लोगों ने कुछ किया है और इनकी हम जो है बातचीत करते रहते हैं। चैनल बनाने का हमारा मकसद यही था कि इन लोगों की बातें करें, आपको बताएं सक्सेसफुल लोगों की स्टोरियाँ। तो ये भी एक शख्सियत है जिसकी पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, आज भी हमने इनकी वीडियो बनाई बड़े प्यार से। अगर ये हमारी वीडियो राजा तहर इकबाल साहब देख रहे हैं या सुन रहे हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने फैमिली मेम्बर से भी जो है कह के वो भी जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये कारवां ऐसे ही चलता रहे। तो हमें इसी वीडियो के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते गिलते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।